गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको हमारे चैनल को विजिट करने के पहले ही आपको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। चूंकि धन्यवाद तो हम दे रहे हैं, लेकिन एक गागर में सागर जैसे जो लोकोक्तियां होती है, उस तरह से हम आपको चाहते हैं कि कॉन्सेप्ट दें, कम समय में ज्यादा उपलब्धि देते चलें, ताकि आपका उज्जवल, आपका भविष्य एक एक स्टेप पर उज्जवलता का परचम लहराए। देखिए, नाइन्थ क्लास का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, पहला एक्सरसाइज है क्या, चैप्टर वन है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, हमारे चारों तरफ के पदार्थ। तो डियर स्टूडेंट्स, मैटर के बारे में बहुत सारी मान्यताएं, जब अध्ययन का शुरुआत हुआ तो शुरू में तो ये कहा गया कि क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व यह अधम शरीरा। यह शरीर जो है पांच तत्वों से, यूनिवर्स के जितने भी सब्सटेंस हैं, चाहे वह लिविंग थिंग्स हो चाहे नॉन लिविंग थिंग्स हो, वह पांच तत्वों से बने हैं। शुरू में ऐसी अवधारणाएं हुई, क्षिति जल पावक गगन समीरा, कहने का मतलब अर्थ हो गया, फायर्स हो गया, कुछ व्योम गगन स्काई हो गया। इस तरह से जो पांच एलिमेंट्स हैं, क्षिति जल गगन पावक समीरा, ये पांच तत्व के मिलने से ये पूरा विश्व का हर एक पदार्थ बना हुआ है। तो सबसे पहले भाई हम लोग पदार्थ, मैटर, पदार्थ की संज्ञा किसे देंगे, पदार्थ की संज्ञा हम लोग किसे देंगे, पहले हिंदी में समझिए कि जो जगह क्षेत्रता हो, जिसमें आयतन हो और जिसे अपने ज्ञानेन्द्रियों से हम स्पर्श कर सकें, जिसे हम अपने ज्ञानेन्द्रियों से स्पर्श कर सकें, उसको हम लोग पदार्थ कहेंगे। जैसे एक ईंट लीजिए, ब्रिक्स, उसमें मास भी है, उसमें वॉल्यूम भी है। अगर आप आंख मूंद लीजिए, अगर आपके हाथ में एक ब्रिक्स या टेबल पर एक ब्रिक्स रख देते हैं, आप कहते हैं कि भाई इसको टच करके बताइए कि क्या होगी, क्या है यह, तो आपने टच कर रहा है, लेकिन उस टच, जो टच आपने किया, जो स्पर्श आपने किया, स्पर्श का जो अंतिम पराकाष्ठा होगा वह आंख खोलने के बाद ही समाप्त होगा। उसी प्रकार वैज्ञानिक जो अनवरत तरीके से प्रयास करते हैं, किसी मीटर के प्रति, किसी कॉन्सेप्ट के प्रति एक्सपेरिमेंट करते करते उनको शांति तभी मिलती है जब उसका सही निचोड़ निकाल लेता है। एक हल्का सा एग्जांपल लीजिए, आपको हम पहले से आपको ब्लाइंडेड कर दिए एक कपड़ा बांध कर, और सामने में कोई एक वस्तु रख कर आपको दिए, बताइए यह क्या है, किस टाइप का वस्तु है, आपने टच कर रहे हैं, समझ रहे हैं, फीलिंग कर रहे हैं, लेकिन इस फीलिंग का अंत, इस फीलिंग का क्लियरेशन एक सुखद रूप में तभी कर पाइएगा जब अपने आंख की पट्टी को, आंख पर से ब्लाइंड पट्टी को हटाइएगा। द डियर स्टूडेंट्स, Who has mass, volumes, and I can it feel, help of the our fingers, जिसे अपने अंगुलियों से हम टच करके फीलिंग भी कर सकते हैं, उसी को हम लोग मास के अंदर रखेंगे, पदार्थ के अंदर रखेंगे। सबसे पहले है कुर्सी। डियर स्टूडेंट्स, कुर्सी आपका क्या है, एक सॉलिड है, उसमें मास भी है, उसमें वॉल्यूम भी है, और अपने ज्ञानेन्द्रियों से स्पर्श भी कर सकते हैं। वायु लीजिए, यह भी आपका क्या है, एक बैलून लीजिए, बैलून को ऐसे छोड़ दीजिए और उसमें हवा को पंप करते हैं तो उसका शेप बढ़ जाता है, उसका आकार बढ़ जाता है, उसका वजन बढ़ जाता है, यह भी आपका पदार्थ है। उसके बाद लीजिए स्नेह, ये फीलिंग का चीज है कि आपके प्रति हम कैसा व्यवहार कर रहे हैं, हमारे आपके प्रति हमारी कैसी बंधुता है, ये अनुभव का चीज है, ये आपका पदार्थ नहीं है। उसके बाद गंध, सुगंध, ये सुगंध तो पार्टिकल्स होते हैं, डिफ्यूशन, ड्यू टू द डिफ्यूशंस, जैसे आप एक घर में इत्र की बोतल को खोलकर रख दीजिए एक कोने में,
उसकी सुगंध हमारे कानों तक नाकों तक पहुंच जाती है। कैसे भाई? ड्यू टू डिफ्यूजन पार्टिकल ऑफ द परफ्यूम्स आर कंबाइंड विद द मोलिकुल्स ऑफ द एयर एंड मूव रैपिडली एंड आफ्टर देन रीचेज आवर नोज। ये जो गैस, जो इत्र के जो परफ्यूम के जो गैस होते हैं, वह उसमें इतनी डिफ्यूजन की क्षमता होती है कि तुरंत हवा के अणुओं से मिलकर रैपिड होने लगते हैं, वाइब्रेट करने लगते हैं और हमारे नाक तक शीघ्र ही पहुंच जाते हैं। वहीं अगर बासी भोजन है या इत्र लीजिए या अगरबत्ती का सुगंध लीजिए, अगरबत्ती को घर के कोने में जला दीजिए, ड्यू टू डिफ्यूजन पार्टिकल्स ऑफ द गैस ऑफ द स्टिक आर कंबाइंड विद द मोलिकुल्स ऑफ द एयर एंड द वाइब्रेट रैपिडली आफ्टर फ्यू टाइम्स देयर स्मेल रीच्ड आवर नोज। उसकी सुगंध हमारे नाक तक पहुंचता है। उसके बाद देखिए, गंध भी नहीं है आपका पदार्थ। घृणा, ये तो अनुभव की चीज है, जिसको कि हम लोग हेट कहते हैं। घृणा यह भी एक फीलिंग का चीज है कि वो हमसे एक आदर्श व्यवहार नहीं कर रहा है, खुद उसका आप फीलिंग कर लेंगे। या ना अपने तौलने की चीज नहीं है, इसमें मांस नहीं है, इसमें बोलूं भी नहीं है, अपने इसको ज्ञानेन्द्रियों से स्पर्श भी नहीं कर सकते हैं। बादाम आपका क्या, किसको कहते हैं हम लोग हैं, एलमोंड्स, यह भी इसमें मांस भी है, वॉल्यूम भी है और टच भी कर सकते हैं। उसके बाद है आपका विचार, थाउट, सोचना। सबका विचार अलग अलग होता है, ये फीलिंग का चीज है, इसका अवलोकन करना पड़ता है कि इन लोगों का विचार कैसा है, सज्जनता का विचार है या दुष्टता का विचार है या धूर्तता का विचार है, कैसा विचार है, ये तो सोचने की चीज है। शीत, कोल्ड, यह भी क्या है, अनुभव का चीज है, फीलिंग का। अगर हमारे शरीर का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर से कम है तो हमारे बाहर से टेम्परेचर हमारे शरीर में आएगा। अगर हमारे शरीर का टेम्परेचर बाहर से अधिक है तो हमारे शरीर से ऊष्मा का हरासमेंट होगा। ऊष्मा का नेचर होता है हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। शीतल पे कोल्ड ड्रिंक, यह भी आपका क्या है, मांस है, पदार्थ है, क्योंकि इसमें मांस है, वॉल्यूम्स है। उसके बाद चलिए इत्र की सुगंध, ये आपका पदार्थ, इत्र का जो परफ्यूम्स का जो पार्टिकल्स है उसका अपना एक निजी शेप होता है, तो यह भी आपका क्या है, पदार्थ के अंतर्गत आएगा। डियर स्टूडेंट्स, दो नंबर का हमारा प्रश्न अब क्या है कि द स्मेल ऑफ द होट सेजिंग फूड रीचेज यू सेवरल मीटर्स अवे, बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम द गुड फूड कोल्ड फूड यू हैव टू गेट क्लोज। कह रहा है गर्मा गर्म खाने की गंध कई दूर मीटर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन यदि ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। मतलब घर में अगर आपका खाना बन रहा है, गर्मा गर्मी भोजन है, सीजिंग फूड है, तो उसका पार्टिकल आपके, उसका सुगंध आपके नाक तक पहुंच जाता है और आप फीलिंग कर लेते हैं किस प्रकार का व्यंजन बन रहा है। लेकिन वही अगर बासी भोजन है, ठंडा भोजन है, तो उसकी सुगंध लेने के लिए उसके करीब में जाना पड़ेगा। इसका क्या कारण है डियर स्टूडेंट? ड्यू टू द डिफ्यूजन्स पार्टिकल्स ऑफ द सेजिंग फूड्स, पार्टिकल्स ऑफ द गैस ऑफ द सेजिंग फूड्स आर कंबाइंड विद द रैपिडली मोलिकुल्स ऑफ द एयर आफ्टर देन दे इंटरमिक्स्ड विद एयर एंड रीचेज आवर नोज। इट टेंडेंसी इज द कॉल्ड डिफ्यूजन ऑफ द गैसेस, ये गैस के विसरण कहते हैं। तो जो गर्मा गर्मी जो भोजन है, जो सीजिंग फूड है, उसके पास जितना टेम्परेचर दीजिएगा उसका पार्टिकल उतना जल्दी उतना वाइब्रेट करता है, उसके बीच की दूरी बढ़ती है, अट्रैक्शन फोर्स घटता है, तो उसके गैस के पार्टिकल हमारे हवा के अणुओं से मिल जाते हैं। और जो बाहर लोग बैठे रहते हैं, हम लोग बाहर बैठे रहते हैं, चाय बन रहा है, कॉफी बन रहा है, भोजन बन रहा है, पकवान बन रहा है, उसकी सुगंध हमारे नाकों तक पहुंच जाती है। लेकिन बासी भोजन है, ठंडा भोजन है, उसकी सुगंध आपके नाकों तक नहीं पहुंचे, उसके करीब में जाकर सूंघने की आवश्यकता पड़ेगी। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है ए डाइवर इज एबल टू द कट थ्रू द वाटर इन द स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर डज दिस द ऑब्जर्वेशन ऑफ द स्लो। सो
कह रहा है कि स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है, कौन सा गुण प्रेक्षित होता है। गोताखोर पानी में डूबकर क्या करता है, वह किस चीज का तलाश करता है। कोई व्यक्ति अगर डेढ़ सौ है या डेढ़ कोई व्यक्ति अगर डेड हो चुका है, उसके लाश को निकालना है, किस चीज का पता करना है, तो गोताखोर पानी आसानी से काट लेता है स्विमिंग पूल में। क्यों भाई? सबसे पहले कि पानी क्या है, पानी में फ्लोडिटी पाई जाती है, नेचर ऑफ द फ्लो इज कॉल्ड द फ्लोडिटी। पानी में तरलता का गुण पाया जाता है। पानी के दो पार्टिकल्स के बीच का अट्रैक्शन फोर्स भी कम होता है। पानी के दो कणों के बीच में स्पेस भी ज्यादा होता है, इसलिए वो आसानी से काट लेता है। गोताखोर पानी को काट लेता है। लेकिन वहीं पर अगर कोई क्रेट्स दिया जाए काटने के लिए, तो हम लोगों के बस की बात नहीं है। जो कराटे का एक्सपर्ट होगा वही उसको तोड़ सकता है। तो पानी को आसानी से काट लेता है गोताखोर, इससे पदार्थ के किस गुण का मूल्यांकन होता है। सबसे पहले फ्लूडिटी, पानी में फ्लूडिटी, पानी के दो पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स का कमजोर होना, स्पेस का ज्यादा होना, और उसका शेप, उसका दो शेप भी क्या होता है, इरेगुलर होता है। जिस शेप में रखिएगा लिक्विड को, उससे उसका रूप ले लेगा, लेकिन उसका वॉल्यूम ये होता है, उसका वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, फ्लूडिटी ऑफ द वाटर, पानी में बहने की प्रवृत्ति होती है, जिसको कि हम लोग फ्लूडिटी कहते हैं। और पानी में भी डिफ्यूजन्स होता है, सबसे कम डिफ्यूजन नहीं के बराबर आपको सॉलिड में देखा गया है। डियर स्टूडेंट्स, अंत में प्रश्न हमारा है, पदार्थ के कण की क्या क्या विशेषताएं होती है। पदार्थ के कण की क्या क्या विशेषताएं होती है, व्हाट आर द कैरेक्टर ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर। तो देखिए, मैटर तो तीन स्टेट में पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। तो सॉलिड में, सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे के करीब में होते हैं। लिक्विड में पार्टिकल की दूरी सॉलिड के बनिस्पत कुछ ज्यादा होती है, गैस में सबसे ज्यादा होती है। सॉलिड के दो पार्टिकल के बीच में, सॉलिड में स्पेस अट्रैक्शन फॉर द बिटवीन टू पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड इज द लेस मैक्सिमम, बट इन लिक्विड्स स्पेस बिटवीन टू पार्टिकल्स इज द लार्गर देन द सॉलिड्स, एंड गैस में सबसे अधिक होता है। सॉलिड का, सॉलिड या लिक्विड या गैस, किसी को अगर बाहर से हीट दिया जाए तो उसके पार्टिकल वाइब्रेट तेजी से करेंगे और उनके अट्रैक्शन फोर्स कमजोर होगा। अगर सॉलिड है तो लिक्विड बनेगा, लिक्विड है तो गैस बनेगा। अगर ऊष्मा को ऑब्जर्व हम करते हैं तो गैस से लिक्विड बनेगा, लिक्विड से गैस बनेगा। और इस चैप्टर में कुछ ऐसे भी हम सब्सटेंस को पढ़ेंगे जिसे गर्म करने पर सीधे वह सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाता है, और गैस को ठंडा करेंगे सीधे सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। वह तीसरा, दूसरा जो स्टेट होता है लिक्विड बनने, जैसे आपका कपूर हो गया, ये इसको सम्मिलेशंस कहते हैं, ये तो अभी बाद में पढ़ेंगे। इसमें जो आज क्वेश्चन मैंने सॉल्यूशन किया उसके बाद में ये चैप्टर आपका आएगा। तो व्हाट आर द कैरेक्टर ऑफ द पार्टिकल ऑफ द, ये हमेशा वाइब्रेट करते हैं, टेम्परेचर दिया जाएगा, वाइब्रेट की गति बढ़ेगी, टेम्परेचर घटाएंगे, वाइब्रेट की गति घटेगी, उसके बाद उनके अट्रैक्शन फोर्स, टेम्परेचर बढ़ाने पर अट्रैक्शन फोर्स कमजोर होगा और उनके बीच की दूरी बढ़ेगी। सॉलिड होगा तो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लिक्विड होगा तो गैस में कन्वर्ट होगा, गैस को ठंडा करेंगे लिक्विड बनेगा, लिक्विड को ठंडा करेंगे सॉलिड बनेगा। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से ये हमारे इसमें तीन चार प्रश्न है, और तीन चार एक प्रश्न शायद और छूटा है, हाँ छूटा हुआ है क्वेश्चन नंबर दो, इस नहीं क्वेश्चन डाइवर वाला हो गया आपका, व्हाट आर द कैरेक्टर ऑफ, ये भी हो गया, ये चार ही क्वेश्चन है आपको, इसमें चार ही क्वेश्चन है। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से क्लास नाइन्थ का एनसीईआरटी साइंस केमिस्ट्री पार्ट पेज नंबर तीन में ये क्वेश्चन जो है इंटेक्स, जो भीतर के प्रश्न एक दो तीन चार, मैंने इसका सोल्यूशन आपके सामने रखा। अपने क्लासमेट को अधिक से अधिक शेयर जरूर करेंगे, ताकि मेरी जो मेहनत है, मेरी जो परिश्रम है, जो अथक परिश्रम कर रहे हैं, वह हमेशा सार्थक हो। थैंक यू वेरी मच।